हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला विक्रांत। हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्री के टॉप 25 क्वेश्चन। प्रेजेंट में जो सवाल चल रहे हैं 23 की प्री वाले, वो बड़े आसान आसान से चल रहे। तो हमने इससे पहले वर्क एंड टाइम के कुछ सवाल करवाए थे, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ सवाल करवाए थे, तो बच्चे बोले थे भैया ये तो आसान है, कुछ नए सवाल भी करवा दो जो आगे की शिफ्ट में एक्सपेक्टेड हूँ। ठीक, तो आज हम 25 सवाल आपको ज्योमेट्री के करवाएंगे। और क्योंकि जो अभी तक ज्योमेट्री पूछी जा रही उसी हिसाब से मैंने 25 क्वेश्चन को पिक किया है। जो 25 सवाल आप ये करोगे इससे आपका ज्योमेट्री का बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा और आने वाली शिफ्ट में इन्हीं 25 सवाल से कुछ सवाल आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज की क्लास को पूरा एंड तक देखना। बाकी इस क्लास की पीडीएफ जो 25 साल हम करवाने वाले हैं, इसको हम टेलीग्राम पर भी डाल देंगे। तो आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा और डिस्क्रिप्शन में होगा और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो पिन कर देंगे। ठीक है, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और खुद से भी सवालों को लगा सकते हो। नहीं आएगा तो आप सॉल्यूशन भी देख लेना। बाकी जैसा कि वो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर हो। चलो भाई बातें खत्म करते हैं और आप शुरू करते हैं। अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर करना। सावन का महीना है, हर हर महादेव बोल के सवाल की शुरुआत करते हैं। देखो पहला सवाल, दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं AC और BD ऐसे दो समान वृत्तों को क्रमशः AC, B और D पर स्पर्श करती है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया BD की लंबाई है 48 सेंटीमीटर, AC की लंबाई क्या होगी। देखो हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों की रेडियस सेम है, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसके अलावा दो कॉमन टेंजेंट दिखाई गई है AC और BD, इनमें से BD की लेंथ दे रखी है 48 सेंटीमीटर और हमसे पूछा गया AC की लंबाई क्या होगी, हमें निकालना है। ठीक है, तो वो दो कॉमन टेंजेंट हमारे सामने है, एक है BD और दूसरी है AC। BD जो है वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और AC जो है वो डायरेक्ट है। ठीक, तो आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं आते तो फिर करने पर प्रेजेंट में जो सवाल SSC पूछा ज्योमेट्री के, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा, तो फॉर्मूले का रिविजन सभी लोग करके जरूर जाना। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले हमें BD की लंबाई दे रखी 48 सेंटीमीटर। आपको अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला पता हो तो अगर हमें BD निकालना हो, BD बराबर अंडर रूट के अंदर सबसे पहले दोनों सर्कल की जो बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो D² माइनस, क्योंकि ये ट्रांसवर्स है तो ब्रैकेट के अंदर R1 + R2। R1 R2 क्या है, दोनों सर्कल की रेडियस। तो ये फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का। BD की वैल्यू में दे रखी है 48 ब्रैकेट के अंदर, हमें यहां से निकालना क्या है, डिस्टेंस अगर निकल जाए तो हम आराम से डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी कि AC निकाल सकते हैं। माइनस रेडियस दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर दोनों की रेडियस है, माइनस का 14 स्क्वायर। तो अगर मैं यहां से D² की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 48 का स्क्वायर + 14 स्क्वायर, दिख रहा है। ठीक, देखो अब इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपने ट्रिपलेट पढ़े होंगे, ये देखो याद करने की कोशिश करो, 24, 7 और 25, ये ट्रिपलेट होता है 24, 7, 25। अगर इसका हम जस्ट डबल कर दे तो आप बोलोगे बन जाएगा 48, 14 और 50, तो 48 और 14, तो सीधा सीधा यहां से ट्रिपलेट से निकाल सकते हैं कि डी हमारा कितना होगा 50। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, हमें अपना डिस्टेंस यानी कि दोनों जो सर्कल है उनके बीच का डिस्टेंस पता चल गया। अब हम AC निकाल सकते हैं, AC बराबर क्या होता है, रूट के अंदर डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना है 50 का स्क्वायर, R1 R2 दोनों सेम है तो ये होगा 0, तो 50 का स्क्वायर - 0 बराबर 50 का स्क्वायर और रूट लगाए तो आंसर कितना जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सवाल था, बस फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप कर पाओगे। ये सवाल पूछा गया था CGL में। चलिए अगला सवाल करते हैं। बोला गया ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो बिंदु A और B स्थित है, वृत्त की लघु चाप पर बिंदुओं A और B के बीच में एक बिंदु है C। बिंदु A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से बिंदु D पर मिलती हैं। एंगल AD भी दे रखा है 25 और हमसे पूछा गया एंगल ACB। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो बोला गया O केंद्र वाला एक वृत्त है, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक बढ़िया सा सर्कल बना लें। ठीक, एक सर्कल बन गया, कितना मस्त सर्कल बनाया हमने, ये हमारा O। बोला गया O सेंटर वाले एक सर्कल के पर दो बिंदु दे रखे A और B। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है। वृत्त की लघु चाप, लघु का मतलब माइनर, यानी कि ये जो इस साइड वाला एरिया ना, ये वाला ये हो गया लघु चाप, उस तरफ वाला एरिया होगा आपका दीर्घ चाप यानी कि मेजर। ठीक, इस पर एक बिंदु सी दे रखा है, तो यहाँ पे कहीं एक बिंदु सी है। बिंदु ए और बी में वृत्त की स्पर्श रेखाएं ड्रॉ की जाती है जो मिलती है डी पर। तो ए से अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो ये जाएगा ऐसा और बी जाएगा ऐसा। तो मान लो ये डी पॉइंट है, इस जगह स्पर्श रेखाएं मिल रही हैं। यार हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा नहीं करना। आप ठीक है, ठीक है, तो डी पर मिल रही है। आगे बोला गया AD भी बराबर 25, तो अगर ये एंगल 25 है, हमसे पूछा गया ACB का मान यानी कि ये वाला एंगल ACB, ये वाला
ठीक है, तो एसीबी का वैल्यू हमसे पूछी गई ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखना, मान लो हमने सर्कल पे कोई पॉइंट बीच में लिया, अगर डी था हमने इसको नाम दे दिया ई, यहाँ पे ई कोई पॉइंट, और इसका एंगल हम खुद से मान लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऊपर जो एंगल बनेगा ये कितना होगा? ये एंगल आप बोल दोगे टू थीटा, बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान सा है। अगर हमारे सामने ये एंगल एंगल डी दे रखा है 25, तो हम लोग ओ को बड़े आराम से निकाल सकते हैं 180 से माइनस करके। अगर आपको ना बताओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो इन दोनों का सम तो 180 हो गया, बचा कितना? वो 180। तो अगर डी हमारा 25 निकलेगा तो एंगल ओ अगर निकाले तो 180 में 25 माइनस कर दो तो आप बोलोगे कितना? 155 ये निकल आया। अगर ओ हमारा 155 है तो ई निकाल सकते हैं, आप बोलोगे कुछ नहीं करना, 155 बटे दो, निकल आया। क्योंकि ए सी बी ई ये हमारा चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज जो सामने सामने के एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। तो अगर ई दे रखा है 155/2 तो सी निकाल सकते हैं, 180 से माइनस कर दोगे तो आप बोलोगे सी हो जाएगा 180 - 155/2, ठीक है, दिख रहा है? हाँ, तो अब सी को निकाल लेते हैं, 180 में 2 का मल्टीप्लाई करो 360, 360 से 155, आप 160 माइनस कर लो पूरा पूरा, तो बचेगा 205, और जोड़ दो 205, आंसर आ गया 102.5, ठीक है। तो आसान सा सवाल था और बिल्कुल कुछ भी दम नहीं था, हमें समझाने में जरूर टाइम लगा होगा, कुछ नहीं, हमारे पास एंगल डी दे रखा 25, हमने ओ को मिलाया ई पर, मिलाया ई का जो एंगल होगा वो ओ से हाफ होगा, जाहिर सी बात है वो सेंटर पे बना हुआ एंगल है और वो हमारा सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल है, थीटा टू थीटा पता चल गया। अगर हम एंगल ओ को निकालें तो 180 माइनस करोगे 25, आ गया 155, ई होगा 155 का आधा, और सी निकालने के लिए 180 से माइनस कर देंगे। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजाएं एबी और डीसी जब आगे बढ़ाई जाती है तो बिंदु ई पर मिलती है, एडी और बीसी को आगे बढ़ाओगे तो बिंदु एफ पर मिलती है, हमें एंगल दे रखा एडीसी बराबर 76 और एईडी बराबर 55, तो हमसे पूछा गया एएफबी की माप क्या होगी। इस टाइप का सवाल पहले बनाओ फिगर, तभी कर पाओगे। देखो फिगर थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, आप सीधा मान लेना, ठीक है। बोला गया एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज, इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लेते हैं अपने मन से। बोला गया ए बी और डीसी को आगे बढ़ाया तो मिलती है ई पे, तो ये पॉइंट होगा ई, और नीचे का पॉइंट ए डी, और बीसी को आगे बढ़ाओगे तो ये एफ हो गया, ठीक। बोला गया एडीसी बराबर 76, तो ये एंगल दे रखा 76, एईडी अराउंड 55, ठीक। हमसे पूछा गया ए एफ बी, यानी कि ये वाला एंगल पूछा गया, चक्री चतुर्भुज है तो आमने सामने जो एंगल होंगे इनका सम हमेशा क्या होगा? 180। तो अगर डी हमारा 76 है तो बी 104 निकल आएगा, 180 से माइनस कर दिया, ये आ गया 104, ये 55 दे रखा है, ये 76 दे रखा, तो ट्रायंगल ए ई डी में देखो, ट्रायंगल ए ई डी इसमें देखो इसका सम भी 180 होगा, तो दो एंगल 76 और 55 इनका अगर सम करोगे तो 7, 5, 12, 120 और 11, 131 हो गए। 131 को अगर 180 से माइनस करोगे तो 130 माइनस करो 50, एक और कम कर दो 49, तो ये आ गया 49 ए, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको मन में करनी है हमेशा, ध्यान रहे, अगर आप मन में करोगे तो बेहतर आपके लिए होगा, एग्जाम में थोड़ा जल्दी कर पाओगे, ठीक। अब आ जाओ ट्रायंगल ए बी एफ के अंदर, तीनों एंगल का सम 180 और दो एंगल पता चल गया 49 और 104, तो 104 और 49 को ऐड करोगे तो 140 और 13 153, 180 से 153 को माइनस करना, ये चीज आप मन में करने की कोशिश करो, 180 से 153 को माइनस करना, 180 से पहले 150 को माइनस करो बचेगा 30, 30 में 3 और कम कर दो कितना 27, तो हमारा आंसर आ गया 27, ऑप्शन डी। चलो एक चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल सी और एंगल डी के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं, सीईडी बराबर 57 है, एंगल ए बराबर 47 है, तो एंगल बी की माप बताओ। चलो करते हैं चतुर्भुज एबीसीडी, तो चतुर्भुज मान लेते हैं ये रहा एबीसीडी, ये कुछ ज्यादा ही सीधा बन गया, ऐसा होगा नहीं एग्जाम में, ए बी सी और डी। बोला गया सी डी के समद्विभाजक बिंदु ई पर मिलते हैं, तो ये और ये, ठीक, ई पर मिलते हैं, तो ये पॉइंट हमारा ई हो गया, और क्योंकि ये समद्विभाजक है इसका मतलब है ये अल्फा तो ये भी अल्फा, ये अगर बीटा तो ये भी बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। सीईडी बराबर 57 दे रखा, ये एंगल दे रखा 57, तो एंगल और ए भी दे रखा 47, तो हमसे पूछा है ये बी, इस बी की वैल्यू बताओ। वैसे तो सीधा सीधा इसके ऊपर पूरा फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मुलेस करना चाहो तो कर सकते हो, हमें इसका याद तो आपको बताई दे रहे कि अगर हमें एंगल डी ई सी निकालना हो हमेशा तो उसका होता है एंगल ए प्लस एंगल बी अपॉन टू, तो डी ई सी दे रखा 57 बराबर एंगल ए है 47, बी को बी लिख लो अपॉन टू, तो 57 दो का मल्टीप्लाई करोगे आएगा 114, 114, और उसमें 47 माइनस करोगे तो आपका आएगा 67, तो बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो 67, ठीक है। तो ये तरीका है सवाल को करने का,
बाकी अगर मान लो आपको फॉर्मूला इसका नहीं पता तब आप इस सवाल को कैसे करोगे, जिसे इससे इस तरीके से करना था कि ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है तो कर सकते हो चाहो तो, लेकिन अगर इससे नहीं करना मान लो आपको नहीं है, सवाल को समझना ही है ठीक। तो एंगल सॉरी ट्रायंगल डीईसी में देखो, ट्रायंगल डीईसी में एक चीज देखो, 57 प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 होगा, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा बराबर निकाल सकते हैं 180 से 57 माइनस करो तो 60 माइनस करो बचेगा 120 और तीन जोड़ दो तो 123 ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 123। अब निकाल दो पूरा ए बी सी डी के, अगर पूरा सम करें तो कितना होगा 360, तो 360 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ए यानी कि 47, एंगल बी प्लस अल्फा, अल्फा दो बार आ जाएगा तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ठीक। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में 123 दे रखी, इसका जस्ट डबल करोगे तो 246, तो 360 माइनस 47 माइनस 246 ये बराबर किसके आ जाएगा, बी के, तो यहां से भी आपका आंसर 67 आ जाएगा। अच्छा 13 सही है ठीक है, तो यहां से भी आपका आंसर 67 आ जाएगा। मर्जी आपकी, कैसे भी आप कर सकते हो, फॉर्मूला लगाओ जो करो, बाकी हमें फॉर्मूले ज्यादा पसंद नहीं है, इसका फॉर्मूला मैं याद था तो मैं आपको बता दिया। चलो अगला सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया जाता है, एस क्यू आर और टी क्यू आर के समद विभाजक बिंदु यू पर मिलते हैं, क्यू यू आर बराबर 69 तो एंगल पी की माप बताओ ठीक। सारे वही ना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं एग्जाम में। चलो ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, अरे ये क्या हो गया, ट्राइंगल है पी क्यू आर और इसकी दो भुजाओं को बढ़ाया जाता है, तो ये पी ये क्यू और ये आर, इसकी दो भुजाओं को बढ़ाया गया कहां तक, एस और टी तक, तो यहां से और ये ठीक है, तो ये एस और ये टी, उसके बाद बोला गया एस क्यू आर, एस क्यू आर ये एंगल और टी आर क्यू इसके समद विभाजक व्यू पर मिलते हैं, समद विभाजक यानी कि एंगल बाई सेक्टर ठीक, ये मिल गए यू पे, यानी कि ये एंगल अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा ठीक। तो क्यू यू आर ये एंगल दे रखा है 69, तो इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है कि अगर एंगल हमें यू निकालना होता है तो वो होता है 90 माइनस एंगल पी बाई टू, तो अगर हमें एंगल पी निकालना हो तो 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस एंगल यू ठीक, तो 2 इंटू 69 दे रखा है तो 90 में 70 को माइनस करो 20 और एक 21, तो 2 इंटू 21 तो आ जाएगा 42 ऑप्शन सी ठीक है। चलो अगला सवाल, एक्स वाई तथा जेड एक त्रिभुज है, यदि जेड सबसे लंबी भुजा है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर तो त्रिभुज क्या होगा। ध्यान रखो ये प्रॉपर्टी, अगर ऐसा कुछ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर तो हमेशा वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है ऑप्शन सी ठीक है। इसमें एक और दो चीजें और देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर जेड स्क्वायर हो ठीक है तो ये हमेशा होता है राइट एंगल ठीक है, और अगर ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन जेड स्क्वायर तो वो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलो अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, यदि उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर तो केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। चलो करो, 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त है तो एक वृत्त ये हो गया और दूसरा वृत्त तो छोटा होगा थोड़ा ये ठीक, उनकी उभयनिष्ठ जीवा यानी कि दे कॉमन कॉर्ड ये कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर तो कॉमन कॉर्ड ये वाली होगी, ये यहां से ये आपकी कॉमन कॉर्ड होगी, एक पॉइंट ये रहा होगा एक पॉइंट ये रहा होगा, इन दोनों को मिला दो, मान लो ये हम ले लें ए ये ले लें बी, इसको इससे मिला दो और फिर इसको इससे मिला दो। चलो आगे समझो, पहले की त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर तो ये 15 और दूसरे की 10 ठीक, उनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि हमसे ए भी पूछा गया है, कॉमन कॉर्ड दे रखी है 16 तो अगर मान लो इस पॉइंट में बीच में ओ मान लें तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी ठीक, तो इस पॉइंट को पी दे दो इसे क्यू दे दो, तो ट्रायंगल पी ओ बी में देखना, पी ओ बी में ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, तो पी ओ बी में अगर हमें पी ओ दे रखा है 8 यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 8 है, हाइपोटेनियस 10 है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ओ बी निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे सीधा सीधा 10 8 6 होता तो ओ बी तो 6 निकल आई, तो 6 प्लस ही करके आंसर आ रहा होगा, तो ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही आ गया आंसर कि 6 प्लस रूट 161, लेकिन चलो दूसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इधर इस वाले ट्रिपलेट में देखो 15 8 तो कोई ट्रिपलेट बनता नहीं है, तो थ्योरम लगा लो पूरी, इधर लगा लो इस तरफ एक मिनट, 15 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर
प्लस AU का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम AU निकालोगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 225 में अगर आप 64 निकालोगे तो 5 में 4 के 1 161 के आसपास आ रहा है, वैद्यो दे भी रखा है तो रूट के अंदर 161। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, बाकी मुझबानी के साथ तुरंत कर सकते हो। अगला सवाल, AB किसी वृत्त की जीवा है और AB बराबर 10 सेंटीमीटर, यदि वृत्त का व्यास है 20 सेंटीमीटर तो केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण क्या होगा। ये मेंस का सवाल है जो पूछा गया है। चलो करते हैं, AB एक वृत्त की जीवा है तो अगर ये सर्कल है, AB यहां पे ऐसी रही होगी, ठीक है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर A और B, और ये हमारा कोई पॉइंट है O, यानी कि सर्कल का पॉइंट सेंटर, और इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। अब समझो इस सवाल को, AB 10 सेंटीमीटर और वृत्त का व्यास दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अगर व्यास व्यास हमारा है डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस त्रिज्या निकलेगी 10, तो ये भी 10 और ये भी 10, ठीक है। तो अगर 10 10 10 तीनों 10 10 आ गए तो इनके सारे एंगल कितने होंगे 60 60 60। तो हमसे पूछा गया केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण, यानी कि ये एंगल कितना आएगा 60, ऑप्शन बी। चलो चलो अगला सवाल, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 मीटर स्क्वायर है, सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 मीटर और 12 मीटर है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, मान लो सीधा सीधा बना दो एक ऐसा कुछ, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी और डी। सम्मुख शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब, यानी कि एक विकर्ण ड्रॉ कर लो इनका कोई भी, ये मान लो बी डी हमारा एक विकर्ण है डायगनल, ठीक है, इस बी डी के ऊपर ए और सी से हमने डाला है क्या लंब, यानी परपेंडिकुलर उसकी लंबाई दे रखी है। तो अगर हम ए से डालें तो ये ऐसा, सी से डालें तो ऐसा, इसको कुछ पॉइंट भी दे देते हैं नाम, इसे दे दिया पी, इसे दे दिया क्यू, लंबाई है 16 और 12। तो भाई हमसे बोला गया है इस विकर्ण यानी कि बी डी की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे रखा 336, अगर इसका हमें फॉर्मूला निकालना हो तो भाई हमें दो ट्रायंगल दिखाई पड़ रहे हैं ए बी डी और बी सी डी, अगर इन दोनों के एरिया निकाल के हम जोड़ दें, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो दोनों के लिए हम केस में बेस मान लेते हैं बी डी, हाइट दे रखी है कि 16 एक की 12, तो इसका हम एरिया अगर निकालना चाहें तो वो हो जाएगा, इधर लिख देते हैं 336 बराबर 1/2 बी डी इंटू दोनों जो हाइट है उनको ऐड कर दो 16 12 28, दो से काटोगे आ जाएगा 14, 14 से काटोगे 14 2 28, 14 4 56, तो बी डी कितना आ गया 24, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, तो विकर्ण निकल आया, आसान था। अगला सवाल, सीएचएसएल में किस शिफ्ट बने पूछा गया था, एबीसी और क्यूआरपी, ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ये दोनों सिमिलर है और इनके एरिया का हमें रेशियो दे रखा 9/4, ए बी 18 बी सी 15, तो पी आर की लंबाई क्या होगी, ठीक है। सिमिलरिटी के केस में एक दो चीजें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे मान लो ऐसा है, ये दो ट्राइंगल हमारे पास है, एक है ए बी सी और दूसरी है क्यू आर पी। सिमिलरिटी के केस में जब हम लिखते हैं ए बी सी सिमिलर किसी ट्राइंगल है, इसमें लिखा है क्यू आर पी, तो ये बहुत सोच समझ के लिखना होता है, क्योंकि अगर ए बी सी लिखा है इसका मतलब एंगल ए बराबर है एंगल क्यू के, बी बराबर है आर के और सी बराबर है पी के, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी करस्पॉन्डेंस साइड जो होती है उसके रेशियो बराबर होते हैं। हमें दे रखा है ए बी सी और क्यू आर पी, इसका जो एरिया है इसका रेशियो 9/4, यानी कि इसका एरिया अगर मान लें 9 है तो इसका एरिया 4 होगा। हमें दे रखा है ए बी 18, ये 18, बी सी 15, ये 15, तो पी आर की लंबाई पूछी गई। अब यहां से ध्यान देना, बी सी जो हमारी दे रखी 15, इसकी करस्पॉन्डेंस साइड होगी आर पी नीचे वाली, तो लोग बी सी और आर पी का रेशियो निकाल सकते हैं। हमें दे रखा एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो हमेशा उसकी करस्पॉन्डेंस जो साइड होती है उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एक काम करते हैं, या तो फिर उधर स्क्वायर कर दो या एरिया में अंडर रूट लगा दो, तो एरिया का अंडर रूट ले लेते, तो 9/4 है इसका, अगर रूट लेंगे तो हो जाएगा 3/2 बराबर, सामने क्या जाएगा बी सी बटे आर पी, बी सी दे रखा 15, आर पी कितना है यानी कि पी आर, 3 5 15 5 2 10, तो पी आर बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस सिमिलर अगर ट्राइंगल दे रखे, मैंने आगे सिमिलरिटी के और क्वेश्चन ले रखे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा कि अगर सिमिलरिटी आपको दे रखी है तो वहां पे एक चीज का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखिएगा कि करस्पॉन्डेंस साइड, यानी जैसे ए बी सी सिमिलर क्यू आर पी दे रखा, तो इसे आपको सही से लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था तो आसान था, लेकिन अगर हम कहीं पे खुद से सिमिलरिटी लगाएंगे तो इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। चलो जब वो आगे आएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला सवाल देखते हैं, कोई स्पर्श रेखा कोई टेंजेंट बिंदु पी से वृत्त पर खींची जाती है, तो बिंदु टी पर वृत्त से इस प्रकार मिलती है कि
पीटी बराबर 4 सेंटीमीटर, छेदक रेखा पीएबी वृत्त को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेदित करती है, पीए बराबर 5 है तो जीवा एबी की लंबाई ज्ञात करो। चलो करो इसे, हमारे पास एक सर्कल है, उसके बाद कोई पॉइंट बाहर पी है, वहां से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो हम मान लेते हैं ऐसी ये स्पर्श रेखा रही होगी, सही नहीं बनी, दोबारा करो। अब ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा पी से खींची गई है और इसके बाद बोला गया पीटी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, छेदक रेखा पीएबी, यानी कि पीएबी एक छेदक रेखा है जो इसको कट कर रही है, तो हम ऐसा ले लेते हैं ये ये रही होगी, ठीक है। तो अगर ये पी है, ये ये आपका टी है, सॉरी ये टी, ये ए और ये बी, पी टी बराबर 4 सेंटीमीटर देखा, पी ए दे रखा 5 सेंटीमीटर, तो हमें ए बी की लंबाई पूछी गई, यानी कि कॉर्ड ए बी पता करना है। तो यहाँ पे इसकी सिंपल से थ्योरम होती है कि पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ठीक है, पी टी का स्क्वायर यानी कि 16 बराबर पी ए कितना है 5 और पी बी पता नहीं, कुछ गड़बड़ आ रहा क्योंकि ये तीन है कि तो ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। अच्छा हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा है, ये 4 नहीं 8 है यार, ये 8 है, रुको दोबारा कर दे रहे इस चीज को, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप सही नहीं था, ये पी टी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो फॉर्मूला है पी टी का स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, पी टी हमारी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो 64 बराबर पी ए कितना है 5 इंटू पी बी, तो यहां से अगर हम पी बी निकालें तो 64 बटे 5 तो 12 पंचे 60 तो 12.8, 48 12.8 आ गई, तो पूरी पीबी है 12.8, पीए है 5, 5 माइनस कर दो तो 7.8, ऑप्शन बी, ठीक है, आसान था। एक ट्रायंगल एबीसी में एबी बराबर 20 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर और एसी बराबर 15 सेंटीमीटर, भुजा बीसी को डी पर डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ट्रायंगल डीएबी सिमिलर है डीसीए के, तो सीडी की लंबाई ज्ञात करो। चलो भाई करते, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल दे रखा है, ऐसा ऐसे बढ़ाया गया एक साइड को, ये था ए बी सी और डी तक बढ़ाया गया है, बोला गया है डी ए बी पैरेलल है डी सी ए के, तो डी ए बी ये रहा हो ऐसा, ठीक, तो डी ए बी पैरेलल है डी सी ए के, हमें दे रखा ए बी 20 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर और ए सी 15 सेंटीमीटर, तो हमसे पूछा गया है सी डी की लंबाई बताओ, CD की लंबाई। चलो करते हैं, देखो अगर ट्रायंगल DAB पैरेलल है ट्रायंगल DCA के, DAB पैरेलल है DCA के, ठीक है, तो यहां पे क्या क्या रेशियो बन सकते हैं, पहला तो बनेगा DA अपॉन DC, दूसरा बनेगा DB अपॉन DA, तीसरा बनेगा AB अपॉन AC। अब जरा वैल्यू रखते हैं, DA की वैल्यू कितनी दे रखी है, AD की वैल्यू पता नहीं तो AD को AD लिख दो बटे, DC की वैल्यू पता नहीं यानी कि CD, आगे चलो BD की वैल्यू BD पता नहीं, BD को हम लोग लिख सकते हैं 7 प्लस CD बटे, AD की वैल्यू पता नहीं बराबर AB, AB की वैल्यू 20 और AC, AC की वैल्यू 15, ठीक। अब हमें एक इक्वेशन सामने तीन रेशियो मिल गए हैं, अब लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि हम किसकी वैल्यू से किसको निकाल सकते हैं, तो यहां पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, दिमाग कैसे लगाना, सवाल देखो पहले जरा अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है, अब देखना देखो 20 और 15 इन्हें काट लो तो ये हो जाएगा 4/3, 4/3, तो एडी और सीडी का रेशियो निकलाया 4/3, यानी कि एडी अगर मान लें 4x है, दूसरे पन्ने से लिखो, अगर एडी मान लें 4x है तो ये 3x हो गई, समझना, AD अगर हमने 4x मान ली तो ये 3x हो गई, क्योंकि AD और CD का रेशियो 4/3 दे रखा है, तो अब सॉल्व कर लो, CD की जगह 3x रख दो और AD की जगह 4x रख दो बराबर 4/3, इसे जब सॉल्व करोगे तो 7 3 21 दिख रहा है ना, 7 3 21 प्लस 9x बराबर 16x, तो x बराबर कितना आ गया 3, ठीक, x बराबर 3 आ गया, सीडीएम से पूछा गया 3 तिरका 9, तो आंसर क्या आ गया ए, ठीक, आसान सवाल था,
जो हमें सिमिलरिटी दे रखी थी उसे यूज करना था, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही थी कि इसे AD बाई CD आ गया, प्लस 7 प्लस CD अपॉन AD आया 4/3, इसे कैसे सॉल्व करना, तो अपन को दो बार इक्वेशन लगानी पड़ी, पहले AD CD का अपने रेशियो निकाल लिया और बाद में दूसरे इक्वेशन में CD AD की वैल्यू रख दी, तो ऐसे करना था। तो ये भी सिमिलरिटी के एक अच्छे सवाल है और ये SSC फेज 9 ही पूछा गया था, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलो अपने आपको थोड़ा बड़ा करें। दो ट्राइंगल है ABC और PQR, ये समरूप त्रिभुज है यानी कि सिमिलर ट्राइंगल है, इनके परिमाप दे रखे हैं 48.4 और 12.1, तो ABC और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया हमसे। अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो उनका जो एरिया होगा, हम मान लें एरिया 1 अपॉन एरिया 2, एरिया 1 मतलब ABC का एरिया और एरिया 2 मतलब PQR उसका एरिया, बराबर क्या होगा, इनकी साइड के स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है, इनकी मीडियन के स्क्वायर के बराबर होता है, इनके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, उनके रेशियो के सेम, ऐसे ही इनका जो पेरीमीटर होता है उसके भी स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, तो इनका रेशियो क्या 48.4 12.1 का होल स्क्वायर ये होगा, इसको अगर काटोगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4/1 का स्क्वायर, 4 × 16 1 × 1 ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व नहीं करने होते, देखो तुरंत आगे बढ़ो, कुछ करना ही नहीं इनमें भाई। त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AB और AC पर बिंदु दे रखे हैं, DE पैरेलल BC है, AD बराबर X है, BD बराबर X-2, AE बराबर X+2, EC बराबर X-1, तो AB प्लस EC पूछा गया, तो यहां पे लगेगी थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है और बीच में DE दे रखी है, तो थेल्स थ्योरम क्या होती है भी समझाते हैं आपको, ABCDE, तो थेल्स थ्योरम ऐसी दे रखी है कि अगर DE पैरेलल है हमारा BC के, तो इनके जो रेशियो होंगे उनका करस्पॉन्डिंग रेशियो सब बराबर होते हैं, यानी कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, ये भी एक फॉर्म है, इसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो बस यही इसी को पुट कर दो, AD की वैल्यू दे रखी है सवाल में कितनी, X, BD की वैल्यू X-2, AE की वैल्यू X+2 और EC की वैल्यू X-1। ठीक, तो इसे पुट करो और सॉल्व करो, तो AD है हमारा कितना X/, BD X-2 बराबर AE X+2 और EC X-1। इसे जब अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन यार थोड़ा सा मतलब आगे पीछे हो सकता है, यहाँ वहाँ लिखा है तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा X²-X बराबर X²-2X+2X-4। देखो X² कट गया, -2X, 2X से कट गया, X की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमसे पूछा क्या गया, AB प्लस EC, तो AB की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम AB प्लस EC निकालें तो AB है X+X-2 यानी कि 2X-2, तो 2X-2 प्लus EC कितना है, EC X-1, तो आपका हो गया 3X-3, X की वैल्यू निकल आई हमारी 4, तो 4 × 3 = 12 गए, आप बोलोगे 9, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें थेल्स थ्योरम लग रही थी, उससे आपका आंसर निकल आएगा। निम्नलिखित आकृति में ABC एक अंतः त्रिभुज है, जैसा कि दिखाया गया है DE बिंदु C पर वृत्त की स्पर्श रेखा है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कोण आवश्यक रूप से ACD के बराबर होगा, ये भी थ्योरम है, ये वाला एंगल पूछा गया है, तो आंख बंद करके आप बता सकते हो ये एंगल B के बराबर होगा, तो एंगल ऑप्शन गलत दे रखे यार, ये एंगल तुम्हारा B के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे BC दो बार रिपीट होगा, ये एंगल ABC होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, एंगल ABC के बराबर होगा। ठीक, इसी ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी पे सवाल ही बाद में बनते हैं। अगला सवाल करते हैं, ट्रायंगल ABC और DBC का उभयनिष्ठ कर्ण BC वाले समकोण त्रिभुज, अच्छा मतलब दो ट्रायंगल दे रखे हैं और जो BC हमारा है वो सिंगल हाइपोटेनियस कॉमन हाइपोटेनियस है, BD और AC को मिलाने पर वो बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर, PC बराबर 4 सेंटीमीटर, PD बराबर 3.2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हाँ 3 गलत दिखा है, ये 3 गलत है, तो हमसे BD की लंबाई ज्ञात करो, तो भाई चलो ट्रायंगल पहले बनाते हैं, तो ABC एक ट्रायंगल था और BDC एक ट्रायंगल था, इनका कॉमन हाइपोटेनियस था, तो ये एंगल A हमारा 90 है, D हमारा 90 है, ठीक है, P एक एंगल बना रहा है यहाँ पे और BC हमारा हाइपोटेनियस हो गया, अब वैल्यू क्या क्या दे रखी है, PA बराबर 8 दे रखा है, तो टोटल PA 8 है, PC 4 है, तो ये 4, ये 4, PD 3.2 है और हमसे BD पूछी गई है, तो देखो भाई जब भी
इस टाइप के फिगर बने या फिर कहीं पे साइड दे रखी हो और नई साइड निकालनी, तो ज्यादातर में सिमिलरिटी लगती है। अब हम किस ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दो, क्योंकि काफी सारे ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले वो ट्रायंगल ढूंढने की कोशिश किया करो जो जो बराबर आ रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है ए हमारा 90 है, डी भी 90 है, तो एक जगह ए लिख लो और अगर सिमिलर होगा तो सामने डी भी होगा। उसके बाद एक जो एंगल पी है, क्योंकि पीए की बात होगी, तो अगर हम पूरा ट्रायंगल लें पीए भी, ठीक, तो इसमें भी पी कॉमन आ रहा होगा, और दूसरा अगर हम ट्रायंगल लें पीडीसी तो यहाँ भी पी कॉमन आ रहा होगा। तो अगर हम ए पी बी वाला ट्रायंगल लें, ए पी बी ट्रायंगल पूरा ले लें, एक मिनट दोबारा लिख देते हैं, अगर हम ट्रायंगल ए पी बी ये ले लो, इसे सिमिलर करने की कोशिश करें, तो ए के बराबर क्या आएगा, डी, तो आपने लिख दिया डी, पी के बराबर पी, तो पी डी सी, तो डी पी सी और ए पी बी ये हमारे सिमिलर होगा कि नहीं होगा, बस यही दम लगानी थी आपको, ये प्रूफ करना था कि ट्रायंगल सिमिलर है, ए हमारा 90, डी हमारा 90, पी कॉमन आ गया, और बी और सी जो बचे हुए एंगल है वो तो फिर बराबर हो ही जाते हैं, ठीक है, तो हमारे सिमिलर होगी। हमसे पूछा गया बी डी की लंबाई ज्ञात करो, तो बी डी जहाँ होगा पहले वही रेशियो निकाल लेते हैं, तो बी डी, बी डी निकालने के लिए अगर हम पी बी निकालेंगे तो पी डी पता है, बी डी निकाल सकते हैं, चलो पहले रेशियो बनाते हैं। रेशियो कैसे बनेगा, हमें दे रखा पी ए, तो पहले ए लगा लेते हैं, पी ए अपॉन उधर आएगा डी पी, बराबर हमें निकालना है बी डी, तो अपन ले लेते हैं पी बी बटे पी सी, बस इतना आपने कर दिया, आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ, पी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 8, डी पी की वैल्यू 3.2, बराबर पी बी की वैल्यू पता नहीं है, पी सी की वैल्यू 4, इसे पी बी लिख लो, तो 8 × 32 0.4 से 4 काटोगे 10 बार, तो पी बी की वैल्यू आ गई 10। तो अगर पी बी हमारा 10 निकल आया, पी डी दे रखा 3.2, तो बचा कितना 6.8, तो हमारी बी डी क्या होगी 6.8। तो यहाँ पे आपको सिमिलरिटी लगानी थी, इसी की हम बात कर रहे थे कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि करस्पॉन्डेंट साइड कौन कौन से आएगी, और वो निकालने के लिए सबसे पहले आप एंगल बराबर करोगे। हमारे ट्रायंगल में हमें ए और डी के आसपास दिख रहा था बराबर, तो इस वाले एंगल में ट्रायंगल डी सी पी में ये जो एंगल था 90 का, ये एंगल बराबर होगा, ए के डी वाला पी कॉमन आ रहा था दोनों में, और जो बच गया वो तो बराबर होता ही होता है। तो हमने सिमिलरिटी लगाई और आसानी से क्वेश्चन को कर दिया। अगला सवाल, दो वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी आगे बढ़ाए जा रहे हैं, बिंदु पी पर मिलती हैं, यदि ए बी बराबर 6.3 सेंटीमीटर, बी बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3.6 सेंटीमीटर, तो पी डी की लंबाई कितनी है। चलो करते हैं इसे, एक सर्कल है, ठीक है, हाँ बनाई, ठीक, चलो ए बी और सी डी इन्हें आगे मिला जाओ, तो ये पी पर मिलती हैं, ए बी दे रखा 6.3, बी पी दे रखा 4.5, सी डी दे रखा 3.6, तो हमसे पूछा गया पी डी की लंबाई ज्ञात करो, तो बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब बस वैल्यू पुट करो और थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी ए कितना दे रखा है, तो 6.3 और 4.5 ये हो गया 10.8, तो इधर नीचे कर लेते हैं 10.8 इंटू पी बी 4.5 बराबर पी सी और पी डी, पी डी को हम अपने तरफ से x मान लेते हैं, तो x इंटू अंदर हो जाएगा x प्लस 3.6, ठीक। अब एक हमारे सामने इक्वेशन आ गई 10.8 इंटू 4.5 बराबर x इंटू x प्लस 3.6। अब इसे सॉल्व करना थोड़ा सा, मतलब ये सवाल आसान है पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अब इसे करेंगे कैसे वो करूँ। सबसे पहले तो पॉइंट हटाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा आसान हमारे हिसाब से थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो अपन एक काम करें 3.6 है तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 36 बन जाएगा, और इधर 108 है, ये 10.8 है, 4.5 है, तो यहाँ तो एक जीरो बढ़ेगा ही, तो अपन अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने जीरो हट जाएंगे। तो पहले काम करें 10.8 4.5 इनका मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 10 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 से इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो 10.8 बन जाएगा 108, 108 मगर 4.5 से मल्टीप्लाई करो तो 108 में 4 बार गुणा करोगे तो होगा 432, ठीक। अब 108 ने 0.5 यानी कि आधा, तो 432 और 54, 32 और 54 486 आ गया बराबर, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x बाहर आ गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 10x² प्लस x और 10 और 3.6 तो हो जाएगा 36 x, ठीक है। अब ये किसी से कट रहा है, 5 से बढ़ा दो, सॉरी 2 से बढ़ा दो, तो होगा 5x² प्लस 18x माइनस 243 बराबर 0। अब एक इक्वेशन हमारे सामने आ गई 5x² प्लस 18x माइनस 243 बराबर 0,
इसे और सॉल्व करना अपना काम बन जाएगा। तो देखो हमें अगले पेज की जरूरत पड़ेगी, फिलहाल तो इक्वेशन तभी बन पाएगी। 5x² + 18x - 243 = 0, ठीक है, ये इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना। तो हमें 243 और 5 का ऐसा मल्टीपल निकालना है जो माइनस करने पे 18 बन जाए, ठीक है। ऑप्शन से हम चले जाते हैं क्योंकि पॉइंट में ऑप्शन आ रखे हैं, तो ऑप्शन से बात बनेगी नहीं, सॉल्व ही करना पड़ेगा, तो थोड़ी तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। 943 है, इसमें मल्टीप्लाई किसका करते हैं, 9 से अगर हटा दें तो 9 × 2 = 18, 9 × 7 = 63 × 9 × 5, ठीक, 9 × 45, 27 और 45 का डिफरेंस होता है 18, बस आ गया। तो 5x² + 45x - 27x - 243 = 0, इधर 5x कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा x + 9 माइनस, इधर कितना कॉमन ले लें, 9 चाहिए, 27 से लो तो अंदर भी x + 9 ही बच रहा होगा। तो एक वैल्यू होगी x + 9 = 0, पूरा सॉल्व कर दिया अगर हम, x + 9 तो 5x - 27 = 0। तो ये वैल्यू यहाँ से x - 9 निकलेगा और कोई भी लंबाई माइनस में तो नहीं हो सकती, तो वो तो होगा नहीं, दूसरी लंबाई क्या है, 5x - 27 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 27/5 = 25 और 5×20 = 5.4, ठीक। तो x की वैल्यू हमने x माना था पीडी को और पूछा गया पीडी, तो ऑप्शन क्या होगा, 5.4। तो सवाल आसान था, बस थोड़ी सी इस सवाल में कैलकुलेशन दे रखी थी, बस उसी को हमें अलग से सॉल्व करना था, ठीक है। अगला सवाल, एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं बीसी और एबी पर इस प्रकार स्थित है कि एसीबी बराबर डीईबी, यदि एबी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीडीसीडी का रेशियो दे रखा 1/2, तो बीसी की लंबाई ज्ञात करो। ये सवाल आया मेंस में, तो अच्छा सवाल होगा। ट्रायंगल ए बी और सी दे रखा है, बोला गया भुजा बीसी और एबी पर, बीसी और एबी पर दो पॉइंट दे रखे हैं डी और ई, बीसी पे ये डी हो गया, एबी पे ये ई हो गया, ठीक है। ए सी बी बराबर डी ई बी, ए सी बी यानी कि ये एंगल, डी ई बी यानी कि मिलाना पड़ेगा इसको, तो ए सी बी यानी कि ये एंगल डी ई बी इसके बराबर है। ए बी 12 दे रखी है तो ये वैल्यू पूरी 12 दे रखी है, बी ई 5 दे रखी है, ये 5 है, ये गलत है, बी डी और सी डी का रेशियो 1:2, तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, 1 और 2, हमसे BC की लंबाई पूछी गई टोटल। देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला था कि अगर आपको कहीं साइड पूछी जाए और एक दो एंगल बराबर होते हुए दिखाई पड़े तो वहां पक्की पक्की बात है सिमिलरिटी ही लगेगी, जैसे कि यहाँ C बराबर है E के, ये हमें दे रखा है, ठीक। तो अपन यहाँ सिमिलरिटी लगाने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम ट्राइंगल ABC इसमें सिमिलरिटी लगाएं छोटे वाले ट्राइंगल यानी BDE से, तो बस ये पता करने की कोशिश करते हैं कौन सा एंगल किसके बराबर है। दोस्तों समझना, बहुत ध्यान समझना ये चीज, सिमिलरिटी एक बार आपने सीख गया ना, आपके ज्योमेट्री के 50% क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर पाओगे सिमिलरिटी से, क्योंकि बहुत सवाल इससे पूछे जाते हैं। चलो एबीसी, अगर हम ट्रायंगल एबीसी की बात करें बीडीई से कंपेयर करें तो बी तो कॉमन आ रहा दोनों में, तो बी तो बी के बराबर होगा, तो बीच का एंगल बी तो कंफर्म हो गया, सी बराबर है ई के तो ये सी हो गया, बचा एंगल डी, तो एबीसी सिमिलर हो गया डीबीई के, बस इतना आपको करना था। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब हम सीधे सीधे थ्योरम लगा दें कि एबी अपॉन बीडी बराबर बीसी अपॉन बीई बराबर एसी अपॉन डी। अब जो वैल्यू पता उसे रख के फटाफट आंसर निकालो, चलो करते हैं। एबी की वैल्यू 12 दे रखी है, बीडी की वैल्यू 1 और 2 का रेशियो है, जिसे एक्स मान लें इसे 2x मान लें, तो ये x हो गई बराबर। बीसी की बात करें अगर तो ये 3x बटे बीई 5 दे रखी है, ठीक है, और बस इतने से काम चल जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 12×5 = 60 = 3x², तो x² = 20 आ गया, तो x² = 20 दिख रहा है, ठीक। x² अगर 20 आ गया तो यहां से x की वैल्यू आप बोलो निकल आएगी 2√5, 5×20 होता है 2√5, x की वैल्यू आ गया। हमसे पूछा था बीसी की वैल्यू, बीसी कितनी है 3x, तो x की वैल्यू अगर 2√5 है तो बीसी 3 का मल्टीप्लाई, 3 × 6 = 6√5, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल करते हैं, ए और बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित बिंदु हैं, यदि बिंदु सी दीर्घचाप एबी पर स्थित है, OAC दे रखा है 35 डिग्री, OBC दे रखा है 45, तो बोला गया लघुचाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण की माप ज्ञात करो। समझो सवाल को, हमारे पास एक सर्कल दे रखा है, इसका बीच में पॉइंट O है, एक A और B दो पॉइंट दे रखे हैं, तो ये हम A मान लें, इसे B मान लें,
ठीक है, ए बी दे रखा है, सी बोला गया दीर्घ चाप यानी कि मेजर आर्क पर है, तो बीच में सी यहां कहीं पॉइंट होगा, ये लो सी, सी ऊपर कोई पॉइंट है, ठीक है, मिला दिया उससे हमने। बोला गया ओ ए सी और 35, ओ ए सी ये एंगल दे दिया 35, ओ बी सी 45, ये वाला एंगल 45, ठीक है। तो हमसे बोला गया ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण की माप ज्ञात करो और लघु चाप यानी कि छोटा चाप, तो इसकी वैल्यू पूछेंगे। तो इसमें तो यार बड़ा आसान सवाल, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस टाइप के सवाल किए थे कि सेंटर पे बना हुआ एंगल जो होता है वो आर्क पर बने हुए एंगल का जस्ट डबल होता है। तो देखो समझो, अगर हम इसको ओ को सी से मिला दें, ध्यान समझना, सर्कल की रेडियस हमेशा बराबर होती है, तो ये तीनों बराबर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी। तो क्या हम बोल सकते हैं अगर हमारा एंगल ए 35 है तो ये ऊपर का एंगल रेडियस बराबर है, ये भी तो 35 हो जाएगा। सेम अगर ये 45 दे रखा है तो ये एंगल भी तो 45 हो जाएगा क्योंकि रेडियस बराबर है, ठीक। तो ये ऊपर एंगल सी अगर निकालें तो एंगल सी हमारा 35 प्लस 45 80 हो गया कि नहीं हो गया। और अब हमें अगर ओ निकालना है तो इसका जस्ट डबल कर दो, कितना 160। तो आंसर क्या हो गया, 80 का डबल कितना होता है 160, हाँ ये तो ऑप्शन है। एबीसी में भुजा एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है, भुजा बीसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, एबीसी का परिमाप है 60 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी और सी, ए बी और सी, बोला गया एसी की लंबाई भुजा एबी की लंबाई के 2 गुने से 4 सेंटीमीटर अधिक है, एसी की लंबाई एबी की लंबाई के 2 गुने से, तो एबी को अपने मन से मान लो एक्स, तो अगर ए बी एक्स हो गया तो ए सी कितना होगा, ए बी के डबल से 4 सेंटीमीटर अधिक यानी कि 2x + 4, ठीक। उसके बाद बी सी की लंबाई ए बी की लंबाई के 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम, तो बी सी 3x - 4, ठीक। परिमाप दे रखा 60 सेंटीमीटर, तो तीनों को ऐड कर दो तो 2 और 3 5 6 6x = 4, 4 कट जाएगा बराबर 60, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो अगर हम यहां से इसकी साइड निकालने की कोशिश करें तो आप बोलोगे ए बी ये तो 10 आ गई, x मानी थी हमने। अगर हम बात करें 2x + 4 ए सी की, तो 20 + 4 = 24, ठीक है ये 24। और अगर हम बात करें इसकी बी सी की, तो 3x - 4 30 × 4 का कितना 26। अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला लगाओगे एस ब्रैकेट अंदर s - a s - b s - c पूरा रूल होगा, ऐसे एरिया निकालोगे तो गलत फहमी आपकी है। आप साइड्स को देखो 10 24 26, का ये ट्रिपलेट नहीं है, अगर आपको याद हो 5 12 13, इसका डबल कर दो 10 24 26, तो ये भी एक ट्रिपलेट ही है, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, 10 24 26 में बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा 10 24, 10 × 24 224 को लाओ 12 12 × 10 120, ऑप्शन ए था आसान। चलो अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु एम है, एन एक ऐसा बिंदु जो एबीसी के अंदर इस प्रकार स्थित है कि सीएन एंगल सी का समद्विभाजक है यानी कि एंगल बाइसेक्टर है, और सीएन पहले परपेंडिकुलर भी है एनबी के ऊपर, यदि बीसी बराबर 10 तो एसी बराबर 15 और एमएन की लंबाई पूछी गई हमसे। चलो फिगर बनाओ पहले, ज्योमेट्री में बिना फिगर के सवाल होते ही नहीं, तो फिगर सबसे पहले एक ट्रायंगल है एबीसी, ये ऐसा ट्रायंगल होगा, मिल जाओ भाई मिल गया, ए बी और सी, इस ट्रायंगल के अंदर बोला गया सी एन सी का समद्विभाजक यानी कि एन यहाँ पे कहीं आ रहा होगा एन, ये एन आ गया, और बोला गया बी सी 10 है, सी एन लंब है एन बी पे यानी कि ये जो एंगल है वो 90 बन रहा होगा ये वाला, एम मध्य बिंदु है ए बी का यानी कि एम यहाँ पे कट कर रहा है, और मध्य बिंदु मतलब ए एम और एम बी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। बी सी 10 दे रखा है, ए सी 15, ये 15 दे रखा है, तो एम एन की लंबाई पूछी गई यानी कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये हमसे पूछी गई है। चलो करते हैं एक काम करो, इसे थोड़ा बी एन को आगे बढ़ाओ और यहाँ तक मिला दो इस जगह तक, ठीक है, इस पॉइंट को एम एन ओ दे देते हैं, ये जो एंगल है ये एन है यहाँ पे, ठीक, और ये 90 पे कट कर रहा है, सी एन जो हमारा था वो एंगल बाइसेक्टर था, तो अगर ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा होगा। तो एक चीज जब ध्यान से देखना, ट्रायंगल एन बी सी और ट्रायंगल एन ओ सी में, इन दो एंगल में देखोगे तो क्या ये सर्वांगसम नहीं होंगे, क्यों, देखो एन 90 एन 90 अल्फा अल्फा दो बराबर, और इनके बीच की कॉमन लंबाई कितनी है एन सी, तो यहाँ पे जो थ्योरम लगेगी वो ये लगेगी साइड एंगल ये ऐसे लगेगी और दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। सर्वांगसम होने का मतलब होता है कि सब बराबर इनका हो, यानी कि एंगल भी बराबर होंगे, सारी साइड्स भी बराबर होंगी, इसका मतलब क्या क्या बराबर होगा, एन बी बराबर एन ओ के हो जाएगा, यानी कि ये
और ये दोनों बराबर हो गए। इसके अलावा बीसी बराबर हो जाएगा ओसी के, तो ओसी भी हमारा 10 निकल आया। उसके अलावा और क्या होगा, एनसी बराबर एनसी बताओ, चलो बराबर है ही, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल गया कि एनबी बराबर एनओ होगा। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज समझ में निकलाई कि जो हमारी लाइन है बीओ, ये इसका मिड पॉइंट एन निकला है क्योंकि एनबी बराबर एनओ के होगा। तो अब अगर हम ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखना, ए बी और ओ, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो एम हमारा ए बी का मिड पॉइंट है, दूसरा ओ बी का मिड पॉइंट भी एन निकला है। तो यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम निकल आएगी कि अगर दो पॉइंट एक दूसरे के सामने वाले मिड पॉइंट है तो उन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो लाइन हमेशा पैरेलल होती है और आधी होती है। तो मतलब ट्रायंगल ए बी ओ में एम एन अगर को मिला दें तो वो ए ओ का हाफ होगा। ओ सी हमने निकाल लिया था यहाँ से कितना, 10। ओ सी अगर 10 निकल आया था तो ए ओ 5 निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तो अगर हमें एम एन निकालना होगा तो सीधा मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से 5/2 2.5 आ जाएगा। फिर से समझ लो, इस चीज को हमने बी एन को आगे बढ़ाकर ऊपर मिला दिया था। यहाँ पे हमने दो ट्रायंगल को सर्वांगसम साबित किया, कैसे, ए एस ए प्रॉपर्टी लगा के। उससे क्या पता चला हमें कि एन बी बराबर एन ओ क्यों होगा, यानी कि दो साइड जो होंगी वो होंगी बराबर। वहीं से पता चला कि एन हमारा मिड पॉइंट होगा। तो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को आपस में मिला दे तो वहां लगती है मिड पॉइंट थ्योरम। उस हिसाब से एम एन कितना होगा, सामने वाले साइड का आधा, सामने साइड थी ए ओ, ए ओ की वैल्यू मैंने निकाल ली थी कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 का आधा करोगे कितना, 2.5। क्लियर, चलिए हमें पता आप लोग थक गए हैं और बस 3 सवाल और बाकी 22 क्वेश्चन हम लगभग निपटा दिए। 3 सवाल और, थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ और फिर खत्म। अब ज्यादा आपका सवाल है नहीं, आसान है। त्रिभुज PQR में S भुजा QR पर इस प्रकार एक बिंदु है कि QPS बराबर हाफ PSR, QPR बराबर 78 और PRS बराबर 44, तो PSQ की माप क्या होगी। ये मेंस का क्वेश्चन है, करो। एक ट्रायंगल है PQR, PQR, QPS क्या है, QPS यानी कि S इस पे बिंदु है, S भुजा QR पर इस प्रकार एक बिंदु, यानी कि यहां पे S कोई बिंदु आ रहा है और इसे अगर हम मिला दें सामने ऐसे, तो ये जो एंगल है QPS, ये आधा है PSR के। तो अगर ये एंगल 2θ है तो ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है। हमें दे रखा QPR बराबर 78, QPR ये पूरा एंगल, ये 78 दे रखा है, PRS ये एंगल दे रखा है 44, तो PSQ ये वाला एंगल पूछा। सबसे पहले तो एक्सटीरियर एंगल की थ्योरम रहेगी, अगर हम पी क्यू एस में देखें तो ये एंगल 2θ, ये थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पी क्यू आर के अंदर हमें दो एंगल दे रखे हैं ऑलरेडी, 78 + 44, तो 7, 4, 11, 110 और 12, 122, तो 122 तो इन दोनों के सम है, टोटल सम होता है 180, तो 180 से अगर हम 122 माइनस करें, ठीक है, तो हम आपके लिए लिख रहे हैं वरना फिर लिखेंगे क्या, अगर हम सब मुंह से बोल के बताएंगे। तो 180 में 120 माइनस करोगे आएगा 60, 60 में 2 कम करोगे आएगा 58, तो एंगल क्यू ये निकल के आ गया हमारा कितना, 58। तो अगर ये क्यू 58 होगा तो ऊपर वाला थीटा भी 58 हो जाएगा, तो दो एंगल 58 58, यानी कि 116 हो गए, ठीक है। तो अगर हमें एंगल पी एस क्यू ये निकालना हो, ठीक है, तो 180 माइनस 116, तो 180 में 120 घटाओगे आएगा 60, 60 में 4 और जोड़ दो 64, ऑप्शन में है सी, ठीक है। तो हमें ऐसे घटाना बड़ा सही लगता है, 180 में 116 घटाना, तो 120 कर दिया, 4 बाद में और जोड़ दिया ऐसा, ठीक है, तो ये आसान है। अगला सवाल, जी एक ऐसे त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है जिसकी भुजाएं 35, 12 और 37 हैं, बीजी की लंबाई क्या होगी, दशमलव के एक अंक तक बताना है। देखो भाई, जैसे हमें ट्रायंगल दिखाई पड़ा 35, 12 और 37, तुरंत हमें पता चलना चाहिए ये हमारे क्या है, ट्रिपलेट, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर एक ट्रायंगल ऐसा होगा, ये इसमें एसी ए सी और बी, ये मान लो बी सी है, बी सी हमारी दे रखी है 12, ये 35 और एक 17। केंद्रक यानी कि बात कर रहे हैं सेंट्रोइड की, सेंट्रोइड बनता है हमेशा मीडियन से, सेंट्रोइड कितना दे रखा है जी, तो अगर हम इसे ऐसे पूरा मिला दें, ये बीच में जी पॉइंट है, इसे मान लो पी दे दो पॉइंट, ठीक, तो हमसे बी जी की लंबाई पूछी गई है। तो देखो भाई, सेंट्रोइड की एक खासियत होती है कि जो सेंट्रोइड होता है, मतलब मीडियन जो होती है, तो जहां उसका सेंट्रोइड होता है वहां से 2:1 डिवाइड कर रहा होता है। तो अगर ये दो है बीजी, तो जीपी हमारी एक हो गई, नहीं टोटल मीडियन आ गई 3, बीजी 2 और जीपी 1, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जो हमारी बीपी हो गई, ये इसकी सर्कम रेडियस भी हो जाएगी। तो अगर सर्कम रेडियस यानी कि कैपिटल आर निकालनी होती तो हाइपोटेनियस का जस्ट आधा करते हैं, ये 37 है, ठीक है, 17 लिख दिया गलती से, तो हो जाएगी 37/2 यानी कि 18.5। तो हमें वैल्यू पता चल गई बीपी की, और ये टोटल क्या है 2:1 में डिवाइड है, तो 2 और 1 3 की वैल्यू दे रखी है
18.5 हमसे क्या पूछा गया है, बीजी की लंबाई, बीजी कितना 2, तो अगर बीजी निकालनी हो तो जाएगा 18.5/3 × 2, 18.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा 37, 37/3 12 बार जाएगा 12.3, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें लग रही थी, एक सर्कम रेडियस और दूसरा सेंट्रोइड। चलो अगला सवाल, ABCD एक चतुर्भुज है जहां पे AB पैरेलल है DC के, EF क्रमशः विकर्ण है के मध्य बिंदु है, AB 18 दे रखा, CD 6 दे रखा, तो EF की लंबाई ज्ञात करो। देखो ऐसा कुछ है, ABCD इनके EF विकर्ण के मध्य बिंदु है, तो मान लो ऐसा विकर्ण क्या होगा, एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों विकर्ण के मिड पॉइंट दे रखे हैं E और F। बोला गया AC का है तुम्हारा E, तो ये E और ये F। ठीक, तो हमसे EF की लंबाई पूछी गई और हमें दे रखा AB 18 और CD 6। ये फिगर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मतलब 18 छोटा है 6 बड़ा, वो आप समझ लेना। ठीक है, तो हमसे पूछा गया EF की लंबाई ज्ञात करो, तो EF की लंबाई निकालने का सीधी सीधी एक थ्योरम होती है कि AB - DC/2, ए मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 18 और 6 का डिफरेंस आएगा 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो। ध्यान रखना कभी भी अगर डायगोनल के मिड पॉइंट पूछे जाए तो जो भी साइड होंगी उनके डिफरेंस का हाफ होता है। चलो चलो भाई, आखिरी सवाल यही था और बस आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी आपको लगी होगी, 25 सवाल थे और बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सारे बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, सारे प्रीवियस ईयर के सवाल थे, ये वाला सवाल ही मेंस पूछा गया था, कोई भी हमने नया सवाल करवाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि नया सवाल क्या है, कोई फायदा नहीं है, सवाल वही पुराने आने और यही अच्छे अच्छे सवाल है। देखो आपने देखा होगा किसी किसी सवाल का लेवल कितना बढ़िया था, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हमने छांट के लाए थे और हमें उम्मीद है वीडियो आपने यहाँ तक देखी होगी। अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो हम आपसे बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, एक प्यारा सा कॉमेंट 143 जरूर कॉमेंट करें। और सबसे बड़ी चीज, इस क्लास की PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करवा देंगे। चैनल का नाम है कानपुर वाला विक्रांत, वहाँ पे इसकी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, और जो सोल्यूशन होगा ये भी हम यानी PDF भी डाल देंगे। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।